हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो जो है ना, स्पेशली शादाब जी हैं, हमने एक वीडियोज़ बनाया था जीएसटी के लिए कि जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। जो कि अगर आप न्यू रिटर्न करना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको रिटर्न फाइल करना होता है एवरी मंथ। अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई भी सेल परचेज नहीं किया है ना, आप अपने बिजनेस या फिर कोई भी दुकान है जीएसटी के लिए, तो वहाँ पे आपको महीने में आपको एक बार रिटर्न फाइल करना होता है। तो न्यू रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, GSTR 1 और GSTR 3 भी, ये दोनों फाइल करने तो मोबाइल फ़ोन से ही कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में। लेकिन क्या है ना, एक GSTR 3 का वहाँ पे वो नहीं कर पाए थे, तो उसको हम कम्प्लीटली आपको इस वीडियो में बनाएंगे, GSTR 1 और GSTR 3 दोनों। पहले हम आपको एक मैसेज दिखाएंगे, आप देखिए बगल पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए हमने अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे गया, पहले मैं Y2 Studio ओपन कर, ठीक है। स्टूडियो में जाने के बाद हम कमेंट्स पे जाकर के आपको पहले कमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। और कमेंट्स में जो है ना, हम पहले GST वाली वीडियोज़ पे आते हैं कि हमने जो GST का वीडियो जो बनाया था वो वाला। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ GST की। तो ये रहा मेरा GST, हाँ ये देखिए, ये रहा मेरा GSTR 1 और GSTR 3 न्यू रिटर्न का, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा व्यूज़ हमारे नहीं जाते, लेकिन हम काम की वीडियोज़ बनाते हैं और लोगों के लिए बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे शादाब जी ने, शादाब शरीफ नाम है इनका। हाय सर, स्टिल यू हैव नॉट येट अपलोडेड GST 3 वीडियो, नाउ टू फाइल फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अभी हम इसी की वीडियो बनाएंगे और कर पाएंगे कम्प्लीटली, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर, थैंक यू सर, इट विल बी मोर हेल्पफुल टू अदर्स, और भी बहुत सारे ने कमेंट किया था। हाय सर, आई मैसेज यू इन व्हाट्सएप, ठीक है। तो इन्होंने हमें मैसेज भी किया था, काफ़ी हमको अच्छा भी लगा। और ये चूंकि क्या होता है कि अभी हम ये बना रहे हैं, आप देखेंगे कम्प्लीटली कर पाएंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चले आते हैं, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, ठीक है। गूगल क्रोम हमने ओपन यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे GST लॉगिन आ गया। हमने इस पर क्लिक किया, आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, मोबाइल फ़ोन से सारा काम करेंगे, देखेंगे आप सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया और पहले हम GSTR 1 फाइल करेंगे, फिर GSTR 3 करेंगे, कम्प्लीटली करेंगे। पहले लॉगिन कर लेंगे फटाफट से, जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो हम यहाँ से अपना टाइप करके कर लेते हैं। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और मेरा जो है ना लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब लॉगिन हो जाने के बाद जो है ना, इस तरीके से आपका खुल के आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे तो आप देखें GSTR 1 और GSTR 3 का वो सब आ रहा है ना आपका यहाँ पर। आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस साल का जो है ना, मई का जो है ना GSTR 1 और GSTR 3 भरने हैं, ठीक है। यहाँ पर येलो कलर में आ रहा है, तो सिंपली कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखेंगे स्टेप, सिंपल स्टेप है, आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, फिर यहाँ पे आपसे एक डायलॉग बॉक्स पूछेगा, पहले इसे ओपन होने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, आप फाइनेंशियल ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये यह आपका आ रहा है 21-22 क्वार्टरली अप्रैल, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे मई के महीने का, ठीक है। ठीक है, जून का जुलाई में करेंगे, तो यहाँ पर हम मई का सेलेक्ट करेंगे। हमने मई सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे मेरा ये खुल के आ गया। देखेंगे यहाँ पे ड्यू डेट 24 जून का है और 20 जुलाई का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, GSTR 1 वाले पे क्लिक किया हमने, अभी GSTR 1 करेंगे, उसके बाद GSTR 3 करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए अब यहीं पर वो काम करना होगा, ठीक है। अब सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रोल करके, और देखिए यहाँ पर आपका जनरेट GSTR 1 समरी, यहाँ पर जनरेट करना होता है। हमने इस पर क्लिक किया और ये मेरा जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये मैसेज, द समरी डिस्प्लेड ऑन 13 जून 2021 3:46:55 फॉर अपडेट क्लिक रजिस्टर ऑन समरी, ठीक है। तो अभी हमें एक मिनट के लिए यहाँ पर रुकना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखेंगे, ये रिफ्रेश का बटन, इस पर क्लिक करेंगे एक मिनट के बाद, फिर आप यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बताता भी है एक मिनट रुकने के लिए, तो हम एक मिनट रुक लेते हैं। फिर एक मिनट जब रुक जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे सबमिट का ऑप्शन एक्टिव होगा। अभी हम एक मिनट वेट कर लेते हैं। और यहीं पे जो है ना, ज़्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं कि ये नहीं हो पा रहा, ठीक है। कम्प्लीटली देखेंगे आप कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और चेक करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश हमने क्लिक किया, ठीक है। रिफ्रेश पे क्लिक कर लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं, इसे एक्टिव हो लेने दीजिए। हाँ, एक्टिव हो गया। अब हम नीचे आएंगे और ये चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये रहा चेकबॉक्स, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, सेलेक्ट किया। उसके बाद इधर आएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे प्रोसीड, जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए आपका ये ग्रीन कलर का, योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम्स। फिर यहाँ भी आप एक मिनट रुकेंगे,
एक मिनट रुकने के बाद यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर कर देना है फाइल रिटर्न। एक ऑप्शन यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा, नीचे में फाइल रिटर्न सबमिट के बगल में आ रहा है। चलिए हम जूम करके दिखाते हैं, सबमिट और फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट और रुक लेते हैं। ठीक है, एक मिनट आपको वेट करना होता है तो एक मिनट रुक जाते हैं। तो एक मिनट हो गया है, चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश, हमने क्लिक किया। ठीक है, रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद अब फिर आ जाएंगे हम नीचे एकदम सबसे स्क्रॉल करके और आ जाएंगे नीचे। देखिए जैसे नीचे आ गए आपको फाइल रिटर्न का ऑप्शन जो है आपका एक्टिव हो गया, बस सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, फिर आपसे वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा आप देखेंगे, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो डायलॉग बॉक्स मेरा आ गया है ना, सिंपली हम इस पर करेंगे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया चेकबॉक्स पे। ठीक है, चेकबॉक्स है, फिर सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके आपका नाम आ जाएगा असाइनी का। ठीक है, वो हमने किया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दो, एक फाइल विद डिजिटल सिग्नेचर है और दूसरा फाइल विद ईवीसी है। ठीक है, तो फाइल विद ईवीसी पे हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ओटीपी जो है मेरे मोबाइल फ़ोन पर आ गया होगा। ठीक है, अभी आएगा ओटीपी, अभी हम आपके सामने में ही करके दिखाएंगे। चलिए फिर दोबारा से हम कर देते हैं फाइल विद ओबीसी, और अभी OTP आएगा। देखिए यहाँ पर OTP मेरा आ गया, हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट किया और कर देंगे वेरीफाई। जैसे वेरीफाई, चूँकि ये गलत आ गया है क्योंकि हमने वहाँ पर दोबारा किया था, फिर दूसरा मेरा OTP आएगा। अभी हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा मेरा आ गया, अभी इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट कर देंगे। फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं और कर देंगे पेस्ट। ठीक है, जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे और कर देंगे वेरीफाई, और हमने किया वेरीफाई। अब देखेंगे यहाँ पर मेरा ये चीज़ आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जीएसटी वाला ना, एक्नोलेज प्रोमिस सक्सेसफुली आपका हो गया है, यहाँ पर सब मैसेज आपका आ जाता है ना, मई 2021 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। आपको मैसेज भी आ जाता है यहाँ पर कि सक्सेसफुली फाइल आ गया आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो ये तो था GSTR1 जो कि हमने पिछले वीडियोज में भी बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं वहाँ पर बैक पर क्लिक करेंगे और करेंगे GSTR3B। ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे, इसलिए हमने बैक पे गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मंथ हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा मई का महीना है, सर्च करेंगे और आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे GSTR1 मेरा फाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखेंगे GSTR3B है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर सेम उसी तरीके से, इसमें तो और भी आसान है। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया, अब ये पूछा जा रहा है कि आप नील रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम सिंपली कर देंगे येस। ठीक है, अब यस पे क्लिक करने के बाद जो स्टक हो जाते हैं ज़्यादातर लोग यही स्टेप पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया देखिए ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, यहीं पे शताब्दी फंस गए थे, शताब्दी स्पेशली हमने आपके लिए वीडियोज बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे असाइनी को, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मेरा नाम है। फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए इसमें से हमको EVC चूज करना है, ये वाला फाइल भी जो है विद EVC, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से मेरे पास जो है OTP आएगा, अभी OTP आएगा, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और कर देंगे वेरीफाई, हो गए मेरे कंप्लीट। ठीक है, अभी जस्ट आपके सामने में करेंगे, अभी मेरा OTP आने वाला भी है, जैसे ही आएगा हम कॉपी करेंगे। अभी देखिए आ गया है, हमने कॉपी पर क्लिक कर दिया, कॉपी हो चुकी है। अब यहाँ पर जा करके हम करेंगे पेस्ट, यहाँ पर जा करके कर देंगे पेस्ट, सिंपली पेस्ट किया और कर देंगे वेरीफाई। ठीक है, बस इतना सा बच गया था। आप देखिए जैसे कर लेंगे ना, आपके पास ये मैसेज आ जाएगा GSTR3B ऑफ इतना ऑफ पीरियड मई 2021 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल ऑन 13 जून 2021, टाइम जो होता है उस टाइम सक्सेसफुली हो गया। और देखिए यहाँ पर मैसेज भी मेरा आ गया, मैसेज में चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो मैसेज में दोनों मैसेज आता है, देखिए यहाँ पर हमने वो जो किया वो, और यहाँ पर देखिए 3B करके GSTR1 का और GSTR3B का दोनों का मैसेज आ गया। और ये डेट देखेंगे ना तो आज की डेट का मैसेज है मेरा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना कर पाएंगे, देखिए 2:53 पे, तो है ना कितना आसान है, हमने आपको बताया ना, बहुत आसान है, आप खुद से कर पाएंगे और पैसे आप बचाइए महीने का 1-1 हज़ार रुपये जो आप अकाउंटेंट को देते हैं ना, CA को देते हैं, वो आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, और भी कैसे करेंगे ना, वो डिटेल्स वाली जो वहाँ पर फाइल अपलोड करने होते हैं, कहाँ पर कौन फिलअप करने होते हैं ना, सेल परचेज वाला, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आपको कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो हम जरूर बनाएंगे वो वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक जाएंगे वहाँ कमेंट जरूर करिए, वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं, बिल्कुल हमें बताए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।